नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर प्रयागराज मेजा से। दिल्ली अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हो गई। भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा घटित ना हो, इसी को रियलिटी चेक करने के लिए आज परमार्थ आवाज की टीम प्रयागराज के मेजा विधानसभा के उर्वा ब्लॉक अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर पहुंची तो हॉस्पिटल परिसर के अंदर आग जैसी भयावह स्थिति से निपटने के लिए हॉस्पिटल परिसर के अंदर वह उपकरण मौजूद रहा जिससे कि आग लगने के दौरान मौजूद लोगों को बचाया जा सके। इस विषय पर जब परमार्थ आवास की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक से वार्ता की तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। हादसा हुआ है, 27 लोगों की मौत हुई है अग्निशमन से। तो डॉक्टर साहब बताए थे कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या मान लीजिए इमरजेंसी केस यहाँ पे आ जाती है, यहाँ लड़ने के लिए या आग को बुझाने के लिए ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं आप थोड़ा सा मुझे बता दें। हमारे पास अभी जो व्यवस्था है आग से लड़ने के लिए, वो हमारे पास सिलेंडर अग्निशमन से प्रोवाइड किए गए हैं, रिफिल कराए गए हैं, वही हर जगह सिलेंडर लगे हैं। जो भी इमरजेंसी जैसे कोल्ड चैन है, डॉक्टर रूम है, मतलब इस तरह से कम 8-10 सिलेंडर हमारे यहाँ लगे हुए हैं। और इस खतरा को देखते हुए हम और अपने CMO साहब से मांग करेंगे जो है कि और इससे और उचित मतलब बड़ी व्यवस्था की जाए, ताकि जो है कि कोई बड़ी घटना हो तो हम लोग समय से पहले उसका जो है बचाव कर लें। जी, क्षेत्र के अन्य उप स्वास्थ्य केंद्रों में क्या व्यवस्था है? क्षेत्र के अन्य उप स्वास्थ्य केंद्रों में अग्निशमन हेतु तो मेरी जो जानकारी में है वैसी कोई अभी व्यवस्था नहीं है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने उच्च अधिकारियों से इस बात को अवगत करा करके वहाँ भी व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर नीरज कुमार सिंह पटेल, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर। यूपी स्टेट प्रभारी धनंजय प्रजापति के साथ स्टेट संवाददाता अखिलेश यादव की खास रिपोर्ट।